हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में सीखेंगे विंटर स्नोफॉल फोटो एडिटिंग करना, वो भी पिक्सआर्ट और लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप भी करना चाहते हैं इस एडिटिंग तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन है, इस तरह के बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इसके बाद चलना है इफेक्ट पे और यहाँ से ब्लर वाले इफेक्ट पे आना है और ब्लर को सेलेक्ट करके इसके ब्लर को 5 तक रख लेना है। इसे 5 तक करके कर लेना है डन। और अब चलना है एड फोटो पे। एड फोटो पे आने के बाद यहाँ से अपनी फोटो को ऐड करना है और इसे ऐड होने के बाद जूम करके अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, नीचे की तरफ करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और अब ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट होने के बाद इसे भी पहले वाली फोटो के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और अब चलना है एडजस्ट पे और यहाँ से इसके ब्राइटनेस को फुल कर लेना है, कॉन्ट्रेस्ट को पूरा डिक्रीज कर लेना है, हाईलाइट और शेडो को भी फुल कर लेना है इनक्रीज। और अब इसे कर लेना है डन और फिर से चलना है एडजस्ट पे और यहाँ से ब्राइटनेस को फिर से बढ़ा लेना है पूरा और कर लेना है डन। अब इसकी ब्लेंडिंग पे जाना है और इसे कर लेना है एड। एड करने के बाद अब चलना है इरेजर पे और यहाँ से इसको कर देना है इन्वर्ट और रिस्टोर पे जाके ब्रश के साइज को फुल कर लेना है और हार्डनेस को कम कर लेना है, हार्डनेस को पूरा कम कर लेना है। और अब राइट साइड के कॉर्नर्स पे अच्छे से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, इसे मस्त एक लाइट सी बन जाएगी। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट चेहरे पे आ रहा है उसे इरेजर पे जाके इरेज कर लेना है और इसे कर लेना है डन। और यहाँ से अब ओपेसिटी पे जाना है और ओपेसिटी को एडजस्ट कर लेना है, ओपेसिटी को रख लेना है 70 के आसपास और यहाँ से कर लेना है डन। अब फिर से चलना है एड फोटो पे और यहाँ से एक स्नोफॉल के आर्टिकल्स के पेंज को एड करना है। ये एड होने के बाद इसे जूम कर लेना है, पूरा फिक्स जूम कर लेना है। और अब इरेजर पे जाना है और अपने चेहरे पे जो भी आ रहा है स्नोफॉल उसे इरेज कर लेना है और जो चेहरे पर पार्ट है उसे अच्छे से इरेज कर लेना है। नीचे कपड़ों पर भी इसे भी कर लेना है, ये ज़्यादा इरेज हो गया तो इसे मैं फिर से ओपेसिटी कम करके ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे कर लेना है डन। इसे भी कर लेना है यहाँ से डन। और अब फिर से चलना है एड फोटो पे और यहाँ से स्मोक के पीएनजी को ऐड करना है और इसे ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन पे कर लेना है। और अब इसे जूम करके नीचे की साइड अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और इसे कर लेना है डन। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में हमारा काम पूरा हो चुका है तो इसे आइकन पे सेव कर लेना है। और अब चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद पहले कलर वाले टूल पर चलना है और यहाँ से इसके वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है। अब मिक्स वाले टूल पर जाना है और सबसे लास्ट वाले कलर पे चलना है और इसके सेचुरेशन को पूरा डिक्रीज कर देना है, इसे पहले वाले के भी सेचुरेशन को डिक्रीज कर देना है। अब ब्लू कलर पे आना है और इसके ह्यू को -50 तक कर लेना है, सेचुरेशन को +50 तक कर लेना है और लुमिनेंस को थोड़ा डिक्रीज कर लेना है। और अब आना है लाइट ब्लू पे और इसकी लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है और ग्रीन के सेचुरेशन को पूरा कम कर लेना है। और येलो पे आना है, इसके ह्यू को पूरा कम कर लेना है और सेचुरेशन को बढ़ा लेना है, लुमिनेंस को थोड़ा कम करना है। अब ऑरेंज कलर पे आना है और यहाँ से लुमिनेंस को बढ़ा लेना है और सेचुरेशन को कम करना है। अब आना है रेड कलर पे। रेड कलर पे आने के बाद इसके लुमिनेंस को कम कर लेना है 20 तक और इसे कर लेना है डन। अब अगले इफेक्ट वाले टूल पे जाना है और यहाँ से इसकी क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेना है और इसके विग्नेट को बढ़ा लेना है ताकि स्नो वाली फीलिंग आ सके। और अब इसके मिड पॉइंट को कम कर लेना है और फेदर को बढ़ा लेना है 80 तक। और अब चलना है सेलेक्टिव टूल पे और यहाँ से अब सर्कल वाले सेलेक्टिव को सेलेक्ट करना है और जो भी ये लाइट वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है सर्कल को ताकि हम यहाँ पर एक स्मूथ लाइट क्रिएट कर सकें।
और यहाँ इफेक्ट पे जाना है, इसकी क्लैरिटी को पूरा कम कर देना है और डीएच को भी पूरा कम कर लेना है ताकि एक लाइट सी ड्रो हो जाए। यहाँ पे एक लाइट इफेक्ट आ सके ताकि, और इसे कर लेना है डन। डन होने के बाद अब फिर से चलना है कलर वाले टूल पे और यहाँ से कलर ग्रेडिंग पे जाना है। तो पहले शेडो पे आना है और यहाँ से इसके सैचुरेशन को बढ़ा लेना है और ह्यू को 40 तक कर लेना है, 40 पे रखना है और सैचुरेशन को फिर से कम कर लेना है 15 तक। अब चलना है हाईलाइट पे और यहाँ से इसके सैचुरेशन को बढ़ाना है और ह्यू को 100 तक रख लेना है और सैचुरेशन को फिर से कम कर लेना है 10 तक और इसे कर लेना है डन। हमारी फोटो एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।